अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें शेयर करने वाला हूँ। और जो कुवैत में हादसा हुआ था जिसमें 45 इंडियन लोगों की मौत हुई थी, वो 45 इंडियन लोगों की लाशें तो इंडिया आ गई हैं, लेकिन उसके रिगार्डिंग जो है एक आरोप लगा दिया है जो वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर हैं, केरला के हेल्थ मिनिस्टर ने सेंटर पे बहुत ही बड़ा आरोप लगाया, सेंट्रल गवर्नमेंट पे आरोप लगाया है। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। सऊदी अरब की जो है ज़रूरी खबरें रहेंगी। हाजियों कितने लोगों को जो है हज का परमिट देने के बाद भी उनका परमिट कैंसिल कर दिया गया, हज करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। जो लोग डोमेस्टिक हैं सऊदी अरब में रहते हैं, और भी जो जद्दा में एक हादसा हुआ था जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी, उसके रिगार्डिंग भी अपडेट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न डाउट ट्रेवलिंग के रिगार्डिंग रहे गल्फ कंट्रीज़ में तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहला जो अपडेट शेयर करना चाहूँगा, जिद्दा के अल-फैसलिया रीजन में एक बिल्डिंग जो है कोलैप्स हो गई थी, एक बिल्डिंग गिरी थी जिसमें 7 लोगों की मौत हुई थी और 8 लोग जो है घायल हुए थे। अब इसके जिम्मेदार जो है पकड़े गए हैं, यानी जो उस मकान का मालिक था उसको भी पकड़ा गया है और भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नहाजा ने जो है इस पर कार्रवाई किया। नहाजा आपको मालूम है सऊदी अरब की एंटी करप्शन की एक बहुत बड़ी मतलब वहाँ की मेन जो है टीम है जो एंटी करप्शन में जो है लोगों को भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को जो है पकड़ती है। अब ये इसके ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, कई लोगों के ऊपर लगा पकड़ा गया। क्यों? क्योंकि वो जो बिल्डिंग बन रही थी उसको जो है पहले से ही अथॉरिटी ने कहा था भैया ये बिल्डिंग जो है सही नहीं है, डैमेज हो सकती है, कभी भी गिर सकती है, बुरा हाल है। तो कंडीशन उसका ये नहीं था, लेकिन उसका परमिट जो है जो मकान का जो मालिक था उसने जो है उसका परमिट हासिल कर लिया कुछ पैसे वगैरह दे के, और जो एक एक उसके लिए एक ऑफिशियल जो टीम होती है वहाँ से जाके, जैसे भी यहाँ पे म्यूनसिपालिटी से लोग इंडिया में ले लेते हैं परमिशन, वैसे वहाँ पे उसने परमिशन लेके उस बिल्डिंग को जो है और जैसे के तैसे रहने दिया, उसके हालात की मरम्मत या जो चीज़ें हुई नहीं कराया, उसके वजह से जो है बिल्डिंग गिर गई। इस बात को उस मकान मालिक को जब पकड़ा गया तो उसने इस बात को एक्सेप्ट भी किया और कहा कि हाँ भाई मैंने पैसे दे के जो है एक पेपर बनवा लिया था कि ये बिल्डिंग सही है करके। तो जिन लोगों ने पेपर बनवाया था वो लोग भी पकड़े गए हैं और ये मकान मालिक भी पकड़ा गया। यानी करप्शन में जितने लोग भी इन्वॉल्व थे और जिन्होंने गलत रिपोर्ट दे दिया उन सब लोगों को अरेस्ट किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कंफर्म किया है कि 18 लोग पकड़े गए हैं, 18 वॉयलेटर थे जो बिना परमिशन के जो है हज करने जा रहे थे या हज किसी को कराने की कोशिश कर रहे थे, इन लोगों को पकड़ा गया है। अब इन लोगों को जेल भी होगी और इनको जो है सऊदी अरब में अगर गैर मुल्की रहेंगे तो इनका ट्रैवल भी बैन होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इनके ऊपर जो है क्या क्या चार्जेस लगेंगे, कितना फ़ाइन लगेगा। फ़ाइन को बढ़ा दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के स्पोक पर्सन जो है उन्होंने कहा है कि अब जो लोग भी पकड़े जा रहे हैं या जो लोग पकड़े जाएंगे बिना परमिशन के हज करते हुए या किसी को ट्रांसपोर्ट करते हुए गैर कानूनी तरीके से, उन लोगों के ऊपर जो है चार्जेस जो लगेंगे वो 50,000 रियाल का फ़ाइन लगेगा, 6 महीने तक का जेल होगा, और जो गैर मुल्की होंगे उनको डिपोर्ट किया जाएगा। डिपोर्ट करने के बाद उनको लाइफ टाइम के लिए, या फिर हो सकता है कि सऊदी में उनकी एंट्री बैन हो जाएगी। लाइफ टाइम का यहाँ पे जिक्र नहीं है, लेकिन उनको जो है सऊदी में एंट्री नहीं मिलेगी। फिर सऊदी अरबिया गवर्नमेंट ने एक चीज़ और अनाउंसमेंट किया है कि जितने भी लोग इस साल हज करने गए हैं उनको पर डे कितना खाना दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 9 मिलियन मील्स डेली दिए जा रहे हैं, 9 मिलियन 90 लाख फूड पैकेट या फूड खाने पीने के जो आइटम है वो डेली मक्का और मदीना के रीजन में जो है जो हज्जाज कराम है उनको प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। 150 ऐसे लोग हैं जिनका परमिशन, हज का जो परमिट था वो कैंसिल कर दिया गया है। डोमेस्टिक थे वो लोग, सऊदी अरब से ही हज करने जा रहे थे, वो बाहर के नहीं थे, तो उन लोगों का हज परमिट कैंसिल कर दिया गया। कैंसिल करने के पीछे रीज़न बताया गया कि उन लोगों ने वैक्सीन जो है प्रॉपर तरीके से नहीं लिया, यानी पूरा वैक्सीन नहीं लिया है, इम्यून जो होता है इम्यून भी नहीं लिया है, इन सब चीज़ों की वजह से जो है उनका परमिट कैंसिल हुआ है। तो समझिए कितना बड़ा हो सकता है। आप कह सकते हैं ये कि भाई उनके नसीब में इस साल हज नहीं था, कई लोग होते हैं ऐसा जो इम्यून नहीं लगाते हैं, और इम्यून जो है ज़रूरी है वहाँ पर, लगाए रहेंगे तो परमिट जो है आपको मिलेगी तो आप जाके कर सकते हैं। लेकिन बाद में जब परमिट मिलने के बाद जब जाँच किया गया पता चला कि 150 लोगों के पास जो है वो वैक्सीन लगाने में कोताही किया उन लोगों ने या पूरी तरह से वैक्सीन नहीं लगवाया, तो उनका जो है परमिट कैंसिल कर दिया गया। दोस्तों कुवैत में जो इतना बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 45 इंडियन लोगों की मौत हुई थी, लगभग 50 लोगों की मौत हुई थी जिसमें 45 इंडियन लोग थे और 45 के 45 इंडियन जो है केरला से बिलोंग करते थे, केरला स्टेट के रहने वाले ये 45 इंडियन थे जो रोजी रोटी की तलाश में, कमाई करने के लिए, रोज़गार करने के लिए जो है वो लोग कुवैत में थे, कुवैत में वो लोग काम करते थे। और वहाँ पर जो ट्रेजेडी हुई, इतना ख़तरनाक आग लगा कि इसमें कई लोग घायल हुए और करीबन 50 लोग मर गए।
अब इस पे जो है उनकी जो डेड बॉडीज़ थी वो आ गई हैं, केरला पहुंच गए। कल के डेट में पूरी डेड बॉडी जो इंडियन एयरफोर्स हैं उनके प्लेन से भर के जो है वो केरला पहुंचाया गया। केरला आए वो लोग, उनकी डेड बॉडीज़ आ गई। लेकिन इसी बीच एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जो केरला के हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि मैं थर्सडे के दिन यानी जुमेरात के दिन जो है मैंने परमिशन मांगा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि मुझे कुवैत जाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन मुझे इजाज़त नहीं दी गई, उसको जो है डिनाई कर दिया गया, परमिशन नहीं दिया गया कुवैत जाने के लिए। तो वो स्टेट का एक जिम्मेदार आदमी है, हेल्थ मिनिस्टर है, लेकिन सेंटर के गवर्नमेंट के इजाज़त के बिना जो है वो नहीं जा सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि ये डेलीगेशन होता है, ये जाएंगे तो उनके साथ एक डेलीगेशन जाएगी, एक टीम जाएगी, ये गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़ हो जाते हैं फिर, वो भी मिनिस्टर हैं। तो इनको जो है परमिशन नहीं मिला, तो ये उसकी अब जो है शिकायत कर रहे हैं, गवर्नमेंट की आलोचना कर रहे हैं कि हमको परमिट नहीं दिया गया वहाँ जाने के लिए, वहाँ पे पीड़ितों से मिलने के लिए या फिर जिनकी डेड बॉडीज़ हैं उनसे मिलने के लिए। हालांकि ये केरला में जो है जो पीड़ितों की फैमिली है और जो जिन जो लोग मरे हैं उनकी फैमिली के से मिलने मुलाकात करने रेगुलर जो है जा रहे हैं। आप इनके लिए दुआएं कर सकते हैं कि लोग जो है रोज़गार की तलाश में और रोजी रोटी और घर चलाने की तलाश में जो है विदेश जाते हैं और अचानक ऐसी घटनाएं होती हैं कि उनकी मौत हो जाती है, तो उनके घर वालों पे क्या गुजरता है आप सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं। आज की वीडियो करता हूँ यही समाप्त, मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।